नमस्कार, आप देख रहे हैं हरियाणा न्यूज एक्सप्रेस और मैं हूं आपके साथ छवि। आइए रुक करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर की ओर। भगवान परशुराम सेवा समिति अम्बाला कैंट का मासिक हवन यज्ञ मई महीने के पहले रविवार को श्री गुरु विश्वकर्मा मंदिर रामबाग रोड अम्बाला कैंट में पंडित दीपलाल जयपुरी ने संपन्न करवाया। इस हवन यज्ञ में यजमान सुरेश शर्मा और उनकी पत्नी आशा रानी थी। समिति के प्रधान अतुल शर्मा ने कहा कि भगवान परशुराम सेवा समिति अम्बाला कैंट भगवान परशुराम जन्मोत्सव पर 15 मई रविवार को अम्बाला कैंट में जिला स्तरीय शोभा यात्रा श्री गुरु विश्वकर्मा मंदिर से खालसा स्कूल तक निकालेगी। इसमें जिले के सभी सामाजिक धार्मिक और ब्राह्मण सभाओं को निमंत्रण दिया गया है। उन्होंने बताया कि इस शोभा यात्रा में सभी का पूरा सहयोग मिलेगा और बाजारों में जगह जगह शोभा यात्रा का स्वागत किया जाएगा। समिति के महासचिव सुरेंद्र राजू शर्मा ने कहा कि 3 मई को भगवान परशुराम जन्मोत्सव पर ब्राह्मण समाज के सभी लोगों को अपने घरों पर 11 दीपक जलाकर अपने आराध्य भगवान परशुराम की पूजा करनी चाहिए और उनका आशीर्वाद देना चाहिए। इस हवन यज्ञ में अतुल शर्मा, सुरेंद्र राजू, राजेश गोल्डी, सतीश शर्मा, अनूप शर्मा, कीर्ति शर्मा, सुरेश कौशिक, नीतीश शर्मा, कुलभूषण पाराशर, राजेंद्र कौशिक, यादविंदर शर्मा, ललित बरोड़ी, तरशीम गौड़ और अन्य सदस्य मौजूद रहे। अम्बाला से हमारे एडिटर इन चीफ राजेंद्र भारद्वाज की रिपोर्ट। हमारे फेसबुक पेज को लाइक, फॉलो और शेयर करें। साथ ही यूट्यूब चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ताज़ा खबरों के लिए बेल आइकॉन को दबाना न भूलें।